बच्चों आज पाठ पढ़ेंगे षडंगल्पः सिद्धिदायकः का। षडंगल्पः इसका अर्थ है दृढ़ निश्चय, सिद्धिदायकः का सफलता देने वाला। दृढ़ निश्चय सिद्धि प्राप्त सिद्धि देने वाला होता है। प्रस्तुत पाठ में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कठिन तपस्या करके पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस कथा के द्वारा यह शिक्षा दी गई कि दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम से कठिन कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। पाठ शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण आवाच्छत। पार्वती शिव को पति रूपेण पति के रूप में आवाच्छत चाहती थी। एतर्थत इसके लिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या कर्तुम इच्छत करना चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम उन्होंने अपनी मनोरथम अपनी इच्छा मात्रे निवेदयत अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी इच्छा अपनी माता को बताई। तत् छुत्वा ऐसा सुनकर माता मैना चिंताकुला आबादत। उनकी माता मैना चिंताकुल बहुत चिंतित हो गई। मैना उनकी माता बोली पार्वती से वत्सई पुत्री मनीषिता देवता गृह एव संति। मनीषिता इष्ट देवता गृह घर पर ही होते हैं। तपहा कठिनम भवति तप तपस्या कठिनम भवति बहुत कठिन होता है। तव शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमल वर्धते बहुत कोमल है। गृहे एव बस घर पर ही रहो। अत्रैव तवा अभिलाषा और यहीं पर ही तब अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफला भविष्यति पूरी हो जाएगी। उनकी माता ने कहा कि तब बहुत कठिन होता है और तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, इसलिए गृह एव बस घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा यहीं पर ही तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। पार्वती जी कहने लगी अम्बा माता तादृश अभिलाषा वैसी अभिलाषा तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति। तपसा एव तपस्या से ही पूर्ण भविष्यति पूरी होगी। जैसी अभिलाषा मैं चाहती हूँ वैसी तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृश वैसा पति कथम प्राश्यामि कैसे प्राप्त करूँगी। तप अहम तपा एव मैं तपस्या ही चारिष्यामि करूँगी। इति मम संकल्प यह मेरा षडंक संकल्प यह मेरा संकल्प है दृढ़ निश्चय है। मैना माता कहने लगी पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषा तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। मेरे जीवन का आधार तुम ही हो। पार्वती जी कहती सत्यम सत्य है परम मम मना परंतु मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलित वर्धते परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्त पुनः सिद्धि सफलता सफलता प्राप्त करके पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। जब मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी तदैव तब मैं शरणम आगमिष्यामि तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्य एव आज ही विजया साकम विजया उनकी सखी का नाम था। आज ही विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि गौरी शिखर पर्वत पर जाऊंगी। तथा पार्वती निष्क्रामति तत्पश्चात पार्वती जी निकल जाती हैं।
आगे पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तप्ति स्म। पार्वती मन वचसा वाणी च कर्मणा और कर्म तपा एव तप्ति हर प्रकार से तप करती हैं। मन वाणी और कर्म से तपस्या करती हैं। कदाचित कभी रात्रौ रात्रि में स्थलित जमीन पर, कभी भी रात में जमीन पर, कदाचित शिलायाम और कभी कभी चट्टान के ऊपर स्वापिति सोती हैं। एकदा विजया आवदत, एक बार विजया उनकी सखी उनसे बोली, कहने लगी, हे सखी, तपा प्रभावात सिंघा पशवो अपि तव सखाया जाता। वह बोली उनसे, हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसा पशु अपि हिंसक पशु भी तव सखाया तुम्हारे मित्र जाता बन गए हैं। हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचा अग्निव्रता और पंच अग्नि व्रत भी त्वम आतपा तुमने पूरे कर लिए हैं। पुनरपि फिर भी तव अभिलाषा ना पूर्णा आभवत, तब भी तव अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा तुम्हारी इच्छा ना पूर्णा आभवत अभी भी पूरी नहीं हुई। पार्वती जी कहती हैं अपनी सखी विजया से, अई विजय, अरे विजय, किम ना जानासी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य ना परित्यजते। मनस्वी जो होते हैं वो कदापि कभी भी, जो विद्वान होते हैं वो कभी भी धैर्य को ना परित्यजति नहीं त्यागते हैं। चा मनोरथ नाम इच्छाओं की आगति सीमा ना अस्ति, और इच्छाओं की तो कोई सीमा ना अस्ति नहीं होती है। विजया कहती है, त्वं वेदम अधीतवती तुमने वेद भी पढ़ लिए, जो चार वेद हैं वो भी तुमने पढ़ लिए, यज्ञ संपादितवती और सारे यज्ञ भी पूरे कर लिए, तपः कारणात और तप के कारण जगति तव प्रसिद्धि, जगत में संसार में तव प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तप के कारण तुम पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि फिर भी तपसा फलम तपस्या का फल नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती कहती हैं, अइ आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंतित होती हो। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।